हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। राम जी की पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही बेहतर ढंग से चल रही होगी। आप सबको पता है मैं हर दिन फर्स्ट शिफ्ट का जाके रिव्यू कर रहा हूं, ठीक है, और एक शाम को वीडियो डालेंगे, क्योंकि आप में जितने ज्यादा बच्चे हैं जो एग्जाम दिए हैं या जिनको भी क्वेश्चन पता लगा है, तो ये ईमेल आईडी है राम जी की पाठशाला@gmail.com, ठीक है, इस पे वो क्वेश्चन सब डाल दो आप, जो भी आपको पता हो, ठीक है। उससे ये होगा कि हमको थोड़ा पता लग जाएगा और शाम के समय हम एक वीडियो बनाएंगे तीनों के तीनों शिफ्ट की ओवरव्यू की। तो ये दो वीडियो आपको डेली मिलेंगी, आपका मतलब बच्चों का फायदा हो जाएगा भाई, ठीक है। आपका पेपर तो अच्छा हुआ ही है और किसी का पेपर अच्छा हो जाएगा, तो उससे लाभ ही है, इसमें नुकसान कुछ भी नहीं है। अब देखो जो मैं भी जा रहा हूं और मुझे बच्चे बता रहे हैं, तो संविधान से भाई कल भी बोला गया था, लगभग कोई 15 क्वेश्चन बता रहा था, कोई 17 बता रहा था, और आज तो लगभग 20 क्वेश्चन संविधान से बताए हैं। तो कल वाली शिफ्ट में क्या था, मैक्सिमम क्वेश्चन आपके अनुच्छेदों से पूछे गए थे। तो मुझे लगता है कि अनुच्छेद जो इंपॉर्टेंट है, या तो वो क्या काम करेगा, आपका अनुच्छेद देके ये चीज पूछ लेगा कि इस अनुच्छेद में क्या है, या आपसे ये चीज देके और ये पूछ लेगा किस अनुच्छेद में है। तो मैंने आपके लिए एक ना छोटी शॉर्ट वीडियो बना रहा हूँ, जो भी काम की वीडियो है सब आपके लिए बना रहा हूँ, और एक पुरस्कार की वीडियो भी आपको मतलब थोड़ी देर में डालूंगा, रात में डाल दूंगा, आप उसको देख लेना। तो अभी मैं आपके लिए कुछ इंपोर्टेंट आर्टिकल लेके आया हूँ, ये आर्टिकल आप जरूर देख के जाना एग्जाम में, आपको बिल्कुल डेफिनेटली मदद मिलेगी, इनमें से आपको जरूर मिल जाएगा। तो देखो अभी जो सबसे पहला आर्टिकल है, इधर हम कुछ भी अलग बात नहीं करेंगे, बस आर्टिकल और उसकी इंपोर्टेंट बातें। जो अनुच्छेद एक है, आर्टिकल वन है, उसमें वो क्या है, उसका नाम क्या है, संघ का नाम और राज्य क्षेत्र, यानी कि इस वाले में क्या है कि भारत अर्थात इंडिया, इसमें क्या चीज है, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, ठीक है, राज्यों का संघ होगा ये इसमें है। तो भारत क्या है, एक राज्यों का संघ है, और नाम क्या दिए हुए हैं, नाम दोनों ही दिए हुए हैं, भारत अर्थात इंडिया दोनों ही है। जो अनुच्छेद दो है वो नए राज्यों का प्रवेश या निर्माण है, नए राज्यों का प्रवेश या निर्माण है। अगर नए राज्यों का प्रवेश होना है, निर्माण होना है, तो अनुच्छेद दो इस बात को कहता है। उसके बाद अनुच्छेद तीन क्या है कि नए राज्यों का निर्माण, वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों सीमाओं या नामों में परिवर्तन, अगर ऐसा कुछ करना है तो ये नए राज्यों का निर्माण करना है, वर्तमान में राज्य हैं उनके क्षेत्रों में या उनकी सीमाओं में या उनके नामों में परिवर्तन करना है, तो क्या ये काम कौन कर सकता है, संसद कर सकता है, पर राष्ट्रपति की पूर्वानुमति लेना जरूरी है। उसके बाद आपको बताया भाग दो जो है वो 5 से 11 तक है और वो नागरिकता संबंधित है। तो अनुच्छेद 5 क्या कहता है, संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता, यानी कि नागरिकता के बारे में प्रावधान कर रहा है अनुच्छेद 5। उसके बाद है अनुच्छेद 10। अनुच्छेद 10 है नागरिकता के अधिकार का बना रहना, यानी नागरिकता का अधिकार किसमें बताया गया है, नागरिकता का अधिकार बताया गया है आपका अनुच्छेद 10 में। अगला है अनुच्छेद 11। अनुच्छेद 11 में संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनियमन किया जाना, यानी कि 11 का सीधे सीधे ये जो लैंग्वेज लिखी है ये बिल्कुल कानून की लैंग्वेज है, बट मैं आपको सिंपल भी बताता चल रहा हूं। अनुच्छेद 11 में क्या बात बोली जा रही है, नागरिकता से संबंधित कोई भी संशोधन, नियम, कानून कुछ भी बनाना होगा। जैसे आपने देखा था 2019 में CAA के बारे में बड़ा डिस्प्यूट रहा, तो संसद ने एक बिल पारित किया था CAB, है ना, सिटीजन अमेंडमेंट बिल, उसके बारे में बड़ा बवाल रहा। तो 11 संसद को यह शक्ति कौन देता है कि वह नागरिकता से संबंधित नियम बनाए, तो अनुच्छेद 11 देता है। उसके बाद अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकार है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला अनुच्छेद है 12। 12 क्या कहता है, राज्य शब्द की परिभाषा को बताता है। आपसे पूछ लेगा राज्य शब्द की परिभाषा कहां पे है, तो अनुच्छेद 12 में राज्य शब्द की परिभाषा है। ये आपका क्विक रिवीजन भी संविधान का इसमें हो जाएगा, ठीक है। अनुच्छेद 13। अनुच्छेद 13 में क्या लिखा है, मूल अधिकारों से असंगत या उनके अल्पीकरण करने वाली विधियों का, है ना, यहां पर बात है। आपको पता है कि अनुच्छेद 13 क्या है, जुडिशियल रिव्यू है, जो अमेरिका से आपका आया है, न्यायिक पुनरावलोकन, यानी कि संसद जो भी नियम बनाती है, जो भी कानून बनाती है, उसके बाद जो कोर्ट है, जो सुप्रीम कोर्ट है, वो क्या काम करता है, सुप्रीम कोर्ट है या हाई कोर्ट है, जो विधायिका कानून बनाती है, उनको ये देखती है कि कहीं ये मूल अधिकारों को तो प्रभावित नहीं कर रहे हैं, और यदि ये मूल अधिकारों को से असंगत है या उनको कमजोर कर रहे हैं तो उनको निरस्त कर दिया जाता है, इसको बोला जाता है जुडिशियल रिव्यू। उसके बाद अनुच्छेद 14 है विधि के समक्ष समानता, ये आपको सब पता है। अनुच्छेद 15 क्या कहता है कि किसी भी नागरिक के साथ धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा, उसका निषेध करती है। अनुच्छेद 16 में क्या बोला जा रहा है कि यदि लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता,
यानी कि कहीं भी अगर कोई वैकेंसी निकली है, कहीं भी कोई अवसर है, कहीं भी कोई स्थान भरा जाना है, तो सभी को क्या दिया जाएगा, समान अवसर दिया जाएगा, अवसर की समानता वहां पे रखी जाएगी। बट इसका अपवाद क्या है, वर्तमान में जो आरक्षण की नीति चल रही है वो आपका इसका अपवाद माना जाता है। उसके बाद मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल है 17, अस्पृश्यता का अंत है, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी यानी कि छुआछूत का अंत है। 18 में क्या है, 18 में उपाधियों का अंत, नाम से पहले जो उपाधियां लगती हैं उनको पूरी तरह से क्या किया गया है, बंधित किया गया है कि कोई भी व्यक्ति अपने नाम के सामने उपाधि नहीं लगा सकता। बट इसमें एक चीज है कि सेना के अधिकारी अपने नाम के सामने अपने पद उपाधि को लगा सकते हैं, और जो उपाधियां आपने शिक्षा के माध्यम से अर्जित की हैं, जैसे आपने डॉक्टर बने या आप एडवोकेट बने या आप इंजीनियर बने, तो आप इन उपाधियों को अपने नाम के सामने लगा सकते हैं, अन्यथा आपको उपाधियों का इस तरह का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए जैसे पहले लोग लगाते थे, महाराज अधिराज लगाते थे और महामहिम वगैरह ये सब चीज लगाते थे, तो वैसा अभी कुछ नहीं है। उसके बाद है आर्टिकल 19 है, वाक स्वतंत्रता आदि विषय अधिकारों का संरक्षण, यानी कि बोलने की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आपकी अनुच्छेद 19 में। थोड़ा बोलने से गला आज मतलब ऐसी हो रहा है, तो थोड़ा सा थोड़ा ध्यान दीजिए, और चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी आगे आगे। अभी लेखपाल की परीक्षा है और आपकी यूपी पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा है, तो उनमें भी रामजी की पाठशाला आपका हरदम साथ देगा। आप देख रहे हैं कि एसआई की परीक्षा में भी बिल्कुल साथ दिया जा रहा है और आगे भी दिया जाएगा, ठीक है। अनुच्छेद 20 क्या कहता है, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, है ना, यदि आपने कोई अपराध किया है तो आपकी दोष सिद्धि के संबंध में आपको संरक्षण मिलेगा। उसके बाद है आर्टिकल 21, आर्टिकल 21 है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, यानी कि जीवन जीने का अधिकार क्या है, अनुच्छेद 21 है। उसके बाद 86वें संविधान संशोधन से आपका अनुच्छेद 21A जोड़ा गया था, 21 क जोड़ा गया था, जो शिक्षा का अधिकार है, क्या है, शिक्षा का अधिकार है, 6 से 14 साल तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने की बात करता है। अनुच्छेद 22 में क्या है, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण, यानी गिरफ्तारी के संबंध में क्या चीज है कि गिरफ्तारी का कारण बताना होगा, 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा, सीआरपीसी में मैंने चीजें देखी हैं, और क्या चीजें हैं कि अपने पसंद के वकील से सलाह वगैरह ले सकता है। उसके बाद आर्टिकल 23 क्या है, शोषण के विरुद्ध अधिकार आ जाते हैं, ह्यूमन ट्रैफिकिंग है, यदि आप मानव का दुर्व्यापार कर रहे हैं, मानव का दुर्व्यापार आईपीसी 370 आपको याद होगा, ठीक है, मानव का दुर्व्यापार करना बिल्कुल प्रतिबंधित है, मूलाधिकारों का हनन है, और बलात्श्रम का निषेध है, बलात्श्रम यानी कि आप जबरन किसी से काम करा रहे हैं तो उसका निषेध है। उसके बाद आर्टिकल 24 है बाल श्रम का निषेध, है ना, चाइल्ड लेबर का निषेध है। आर्टिकल 25 ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, अंतःकरण के और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता, यानी कि भारत के प्रत्येक नागरिक को आर्टिकल 25 क्या करता है, आर्टिकल 25 किसी भी धर्म को मानने की और उसके आचरण नियम कायदे कानून बनाने की छूट देता है, उसके प्रचार प्रसार की भी स्वतंत्रता देता है। आपको पता होना चाहिए कि पब्लिक में आप हथियार लेके नहीं चल सकते हैं, पर सिख कम्युनिटी अपने साथ में कृपाण तलवार वगैरह लेके चलती है, तो उनको ये छूट कौन दे रहा है, आर्टिकल 25 दे रहा है, ठीक है। उसके बाद है आर्टिकल 26, आर्टिकल 26 में क्या बात है, धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता, यानी कि आप अगर हिंदू कम्युनिटी से बिलोंग कर रहे हैं तो आप कथा कीर्तन वगैरह सब चीजें आराम से कर सकते हैं, यदि आप मुस्लिम कम्युनिटी से कर रहे हैं तो आप जमात वगैरह नमाज अता करना ये सब चीजें हैं, अगर आप सिख कम्युनिटी से हैं तो आप लंगर वगैरह लगा सकते हैं और श्री गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ इस तरह से, मतलब बड़े बड़े जो भी आयोजन है आप कर सकते हैं, वो छूट आपको आर्टिकल 26 दे रहा है। उसके बाद आर्टिकल 28 इंपॉर्टेंट है, कुछ शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता, तो ये आप देख लीजिए। उसके बाद आर्टिकल 29 है, आर्टिकल 29 क्या कहता है, अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण, यानी कि जो अल्पसंख्यक जो माइनॉरिटीज है इंडिया में उनके हितों के बारे में बात कर रहा है आर्टिकल 29, और आर्टिकल 30 बात कर रहा है कि जो माइनॉरिटीज हैं वो शिक्षण संस्थाओं की स्थापना कर सकते हैं और प्रशासन भी उनको इस काम में मदद करेगा। अब देखो कुल मिला के बात यह है कि आपको बहुत सारे अधिकार दिए जा रहे हैं, ठीक है, मौलिक अधिकार को नैसर्गिक अधिकार कहते हैं, नैसर्गिक प्राकृतिक अधिकार होते हैं कि जो प्रकृति द्वारा प्रदत्त है वही नैसर्गिक अधिकार है, नैसर्गिक का उल्टा कृत्रिम होता है। आई थिंक ये क्वेश्चन कल आया भी था या मेरे पहले ही सुना हुआ है, पर मैं आपको बता रहा हूं। तो अभी क्या चीज है, आपको इतने सारे अधिकार दे दिए, बट अगर
कोई भी व्यक्ति आपके इन अधिकारों का हनन करता है तो आप क्या करेंगे, तो वहां पे है आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है, ठीक है। तो आर्टिकल 32 क्या चीज है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा जाता है, यानी कि यदि आपके अधिकारों का हनन कोई कर रहा है तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं और अपने मौलिक अधिकारों के की मांग कर सकते हैं, सर मेरे को मेरे मौलिक अधिकार दिलाइए, तो सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 का यूज करते हुए आपके मौलिक अधिकार आपको दिलाएगा और 5 प्रकार की रिटें भी जारी करता है, जिसमें बंदी प्रतिक्षीकरण है और प्रतिषेध लेख है, अधिकार पिच्छा है, उत्प्रेक्षण है, और कौन सा रह गया, बंदी प्रतिक्षीकरण, प्रतिषेध लेख, उत्प्रेक्षा, उत्प्रेक्षण, अधिकार पिच्छा, अभी एकदम दिमाग से निकल रहा है, 5 है, आप देख लीजिए। उसके बाद डीपीएसपी शुरू हो जाते हैं 36 to 51, 36 से लेके 51 तक आपके डीपीएसपी है, आयरलैंड से लिए गए। तो इसमें क्या है आपका 39A बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी व्यक्तियों को। अब डीपीएसपी में एक्चुअली है क्या चीजें, डीपीएसपी में क्या है कि सरकार को ये सुझाव है कि आप ऐसा कुछ काम कीजिए जिससे कल्याणकारी राज्यों की स्थापना हो सके, क्योंकि डीपीएसपी जो है राज्य के नीति निदेशक तत्व है, उनका उद्देश्य ही है कि कल्याणकारी राज्य की स्थापना हो, सबका भला हो जाए। तो समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता की बात कर रहा है आर्टिकल 39A। आर्टिकल 40 बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको किसी ना किसी शिफ्ट में देखने के लिए जरूर मिलेगा, ग्राम पंचायतों के गठन की बात करता है। अगला क्वेश्चन है, अगला आर्टिकल है आपका आर्टिकल 41। आर्टिकल 41 है कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार है, यानी कि आपको काम पाने का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, लोक सहायता पाने का अधिकार है, ऐसी कुछ बात कौन कर रहे हैं, ऐसी बात डीपीएसपी 41 बोल रहा है कि आपको क्या काम करना चाहिए सरकार को, ऐसे कुछ कानून बनाने चाहिए यदि आदमी को काम की जरूरत है, शिक्षा की जरूरत है या लोक सहायता की जरूरत है तो आप उनको वो चीज प्रोवाइड कराएं। उसके बाद आर्टिकल 43 काफी इंपोर्टेंट है, गांधीवादी माना जाता है, क्योंकि जो डीपीएसपी है वो 3 तरह के हैं, उदारवादी है, समाजवादी है, गांधीवादी है। तो आर्टिकल 43 जो है वो कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी है और साथ में कुटीर उद्योगों का को प्रोत्साहन की बात करता है, जो कुटीर उद्योग होते हैं। उसके बाद आपका आ जाता है 43A, उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों का भाग लेना, यानी कि जो आप इंडस्ट्री कोई लगाए हैं उसका मैनेजमेंट किया है, तो ऐसा ना हो कि अपर अथॉरिटीज ही क्या काम कर रही है उसका पूरा मैनेजमेंट देख रही है। आर्टिकल 43A क्या कहता है कि जो कर्मचारी भी हैं, कर्मकार हैं, वो भी उसके प्रबंधन में भाग लें, ऐसा कुछ होना चाहिए। आर्टिकल 44 बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, यानी कि समान नागरिक संहिता के बारे में बात करता है। आर्टिकल 45 कल पूछा गया था, ठीक है, उसमें पूछा गया था कि आर्टिकल 45 के अनुसार बालकों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का की बात की गई है, तो ये मतलब आयु क्या है, तो 6 से 14 साल का है, और इसी को आधार मानते हुए आपको पता है 86वां संविधान संशोधन हुआ, और 86वें संविधान संशोधन में के कारण ही आर्टिकल 21A जोड़ा गया। उसके बाद है आर्टिकल 46, अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियां और अन्य दुर्बल वर्गों की शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृत्ति, यानी कि SC ST और जो भी वल्नरेबल सेक्शंस हैं उनकी शिक्षा से संबंधित बातें की गई हैं और उनकी इकोनॉमिक कंडीशन के बारे में, उनके फाइनेंस संबंधी बातें यहां पर की गई हैं। उसके बाद आर्टिकल 48 है, आर्टिकल 48 है ये गांधीवादी है, कृषि और पशुपालन का संगठन, यानी कि गांधी जी क्या कह रहे हैं कि खासकर गायों के बारे में यहां पे गांधी जी बात कर रहे हैं और पशुओं के बारे में यहां पे बात कर रहे हैं कि उनकी उनका संरक्षण होना चाहिए और उनका नस्ल सुधार होना चाहिए और उनका वध बंद होना चाहिए, ऐसा गांधी जी ने यहां पे विचार रखा है। उसके बाद आर्टिकल 48A कल पूछा गया है, ये है पर्यावरण का संरक्षण, पर्यावरण एवं वन्य जीवों की रक्षा से संबंधित है आर्टिकल 48A। आर्टिकल 40 है कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण, यानी कि आपको पता है भारत में विधि का शासन है, 3 प्रमुख संस्थाएं इसके लिए जिम्मेदार है, सबसे पहले विधायिका है जो कानून बनाने का काम करती है, उसके बाद कार्यपालिका है जो कानून को फॉलो कराने का काम करती है, और यदि ये दोनों संस्थाएं अपना काम करने में विफल हो जाए या विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों को कोई नहीं मान रहा है या फॉलो नहीं कर रहा है तो उनको दंड देने के लिए न्यायपालिका है, तो कार्यपालिका और न्यायपालिका का बिल्कुल पृथक्करण कर रही है कौन, आर्टिकल 50, ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। और आर्टिकल 51 क्या कहता है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि, यानी कि भारत हमेशा क्या करेगा, इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को बढ़ाने का काम करेगा, ठीक है। अब 5वां भाग आ जाता है संघ का, आर्टिकल 52 भारत का राष्ट्रपति है, आपको क्लियर पता होगा,
53 में क्या है कि राष्ट्र संघ की समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। आर्टिकल 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन है। आर्टिकल 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति है, यानी कि राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है तो आपको पता होना चाहिए। राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है एकल संक्रमणीय एवं समानुपातिक प्रतिनिधित्व की पद्धति के द्वारा, और अप्रत्यक्ष चुनाव होता है जो लोकसभा है, राज्यसभा है और राज्यों की विधानसभा है, इनके निर्वाचित सदस्य इसमें भाग लेते हैं। उसके बाद आर्टिकल 56 है राष्ट्रपति की पदावधि। राष्ट्रपति की पदावधि के बारे में बात की गई कि राष्ट्रपति कितने साल तक अपने पद पर रहते हैं। उसके बाद है आर्टिकल 56 है पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता। आपको पता है कि यूएसए में एक व्यक्ति केवल दो योजनाओं तक ही राष्ट्रपति हो सकते हैं और एक योजना वहां पे 4 साल की होती है, बट इंडिया में ये जो राष्ट्रपति का कार्यकाल है वो 5 साल का है और एक व्यक्ति कितनी भी बार निर्वाचित हो सकता है, बस वो एक शर्त पूरी कर दे कि वो 35 साल से ज्यादा आयु का हो। उसके बाद आर्टिकल 58 है राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अर्हताएं, यानी कि राष्ट्रपति बनने के लिए आपको क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, ये आर्टिकल 58 में दिया हुआ है। आर्टिकल 60 में है राष्ट्रपति की शपथ। आपको पता है राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलवाते हैं? भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसके जो चीफ जस्टिस हैं वो शपथ दिलवाते हैं। यदि वो एब्सेंट है तो सुप्रीम कोर्ट के जो उस समय वरिष्ठतम जज है वो शपथ दिलवाते हैं। और आर्टिकल 61 में क्या है, राष्ट्रपति पर महाभियोग है। यदि राष्ट्रपति क्या काम कर देते हैं, संविधान के जो उपबंध है उनका अतिक्रमण कर देते हैं तो संसद के किसी भी सदन पर उन पर महाभियोग चलाया जा सकता है और फिर उनको हटाया जा सकता है। बाकी और कोई भी रीजन नहीं है कि राष्ट्रपति को हटाया जा सके। आर्टिकल 63 बात करता है भारत के वाइस प्रेसिडेंट के बारे में। आर्टिकल 64 क्या बोलता है, इंपोर्टेंट पॉइंट है, सारे इंपोर्टेंट बता रहा हूं, कि भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है। किस कारण से? पदेन। अब इस पदेन का क्या मतलब होता है कि जो भी उपराष्ट्रपति के पद पर बैठ जाएगा तो उपराष्ट्रपति के पद पर बैठने के नाते वो राज्यसभा का भी सभापति होगा। आर्टिकल 66 में क्या है, आर्टिकल 66 में आपके उपराष्ट्रपति का निर्वाचन है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आर्टिकल 69 में है उपराष्ट्रपति की शपथ। आर्टिकल 72 काफी इंपोर्टेंट है, मैं सब इंपोर्टेंट ही चीजें आपको बता रहा हूं। आर्टिकल 72 में क्या है, आपको पता है कोई जब भी कोई केस लड़ता है, सपोज करो सत्र न्यायालय से हार गया तो हाईकोर्ट में अपील करेगा, वहां से हार गया, हाईकोर्ट से भी हार गया तो वो सुप्रीम कोर्ट जाएगा, और सुप्रीम कोर्ट से भी यदि कोई हार जाता है तो वह राष्ट्रपति के सामने दया याचिका यानी मर्सी पिटीशन फाइल करता है। तो राष्ट्रपति को अधिकार है कि वह अपराधी को क्षमा कर सकता है, और इसमें 5 प्रकार है उनके क्षमा करने के। तो राष्ट्रपति की क्षमादान करने की शक्ति इसमें है, और राष्ट्रपति यदि क्षमा कर देते हैं तो कितना भी बड़ा अपराधी होए वह बिल्कुल सामान्य नागरिक की तरह हो जाता है। आर्टिकल 73 क्या बात करता है, संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। ओके, उसके बाद आर्टिकल 74 है राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद। तो आर्टिकल 74 में ही क्या बात कही गई है कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका मुखिया, जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। तो आर्टिकल 74 पीएम के बारे में बात करता है और मंत्रिपरिषद के बारे में बात करता है। जो मंत्रिपरिषद होती है वो संयुक्त रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। आर्टिकल 75 में क्या बोल रहा है, मंत्रियों के बारे में उपबंध है, ठीक है। आर्टिकल 76 बात करता है आपकी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की, भारत के महान्यायवादी की। महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। उसके बाद आर्टिकल 78 क्या बात कर रहा है, राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में प्रधानमंत्री कर्तव्य है, ये है। उसके बाद आर्टिकल 79 बात करता है संसद की, 80 बात करता है राज्यसभा की, 81 बात करता है लोकसभा की, ठीक है। और 83 में क्या, 83 क्या है, जो संसद के सदनों की अवधि है। आपको पता है संसद के दो सदन है, लोकसभा राज्यसभा, राज्यसभा अपर हाउस है और लोकसभा लोअर हाउस है, ठीक है। तो उनके सदनों की अवधि के बारे में बात करता है। आर्टिकल 84 बात करता है संसद की सदस्यता के लिए अर्हता, यानी कि लोकसभा में के लिए क्या अर्हता है। तो लोकसभा के लिए मिनिमम एज 25 होना चाहिए और राज्यसभा के लिए मिनिमम एज 30 आपने कंप्लीट कर लिया हो, इन संबंध में बात की जा रही है। अगला है आर्टिकल 87 राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण। आपको पता होना चाहिए कि राष्ट्रपति कब कब संसद में भाषण देते हैं, तो जब कोई नई लोकसभा चुन के आती है तब अभिभाषण देते हैं, जब बजट सत्र शुरू होता है तब अभिभाषण देते हैं, और साल का जो पहला सत्र होता है तब वो भाषण देते हैं, और साथ में जब कोई डिस्प्यूट हो जाता है तो आर्टिकल 108 का यूज करते हुए जब आपका संयुक्त बैठक बुलाई जाती है तो उसमें क्या करते हैं, अभिभाषण वो करते हैं। उसके बाद आर्टिकल 89 में क्या है, राज्य का सभापति, राज्यसभा का सभापति और उपसभापति। आर्टिकल 97 में क्या है,
93 इसमें छूट गया है। 93 में क्या है, लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष है। आर्टिकल 97 में है सभापति उपसभापति अध्यक्ष और उपाध्यक्ष वेतन और भत्ते। 98 में क्या है, संसद का सचिवालय है। ठीक है, ये यहां पे मिसप्रिंट शायद उसमें हो रहा है, ठीक है छोड़ दीजिए। उसके बाद मोस्ट इंपोर्टेंट है, कल ये क्वेश्चन आया था, 108 में है संसद का संयुक्त अधिवेशन। यदि राज्यसभा लोकसभा में किसी चीज को लेकर डिस्प्यूट हो जाए और कोई बिल है वो कोई बिल नहीं सॉरी कोई हाँ माफी चाहता हूं बस जल्दी जल्दी बोल रहा हूं बहुत देर से, तो अगर कोई बिल है उसमें डिस्प्यूट हो गया है, लोकसभा से पास हो गया है या राज्यसभा से पास हो गया है और दूसरे सदन से वो पास नहीं हो रहा है, तो संयुक्त बैठक का प्रावधान है। और संयुक्त बैठक के ये जो प्रावधान है ये हम लोगों ने ऑस्ट्रेलिया से लिया है। उसके बाद आर्टिकल 110 धन विधेयक है, मनी बिल की बात करता है। और मनी बिल के बारे में एक इंपॉर्टेंट चीज है कि मनी बिल केवल और केवल लोकसभा में ही लाया जा सकता है। कौन डिसाइड करेगा कि कोई बिल मनी बिल है कि नहीं, कोई कौन डिसाइड करेगा कोई विधेयक धन विधेयक है कि नहीं, तो लोकसभा अध्यक्ष को ये होती है। उसके बाद आर्टिकल 111 में है, 111 में है विधेयकों पर अनुमति। आपको पता है कोई भी विधेयक राज्यसभा लोकसभा से जाने के बाद राष्ट्रपति के पास जाता है और राष्ट्रपति जब उस पर हस्ताक्षर कर देते हैं तभी वह बिल एक्ट में कन्वर्ट होता है, तभी वह विधेयक अधिनियम में बनता है यानी कानून बनता है। तो 111 में विधेयकों पर अनुमति की बात है, तो राष्ट्रपति के पास वहां पर तीन चीजें होती हैं। पहली चीज होती है कि राष्ट्रपति आपका क्या कर सकता है, साइन कर देगा या पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, और अगर पुनर्विचार के लिए लौटा दिया दोबारा आई तो साइन करना पड़ेगा, बट फिर भी साइन नहीं करना चाहता तो एक अपने पास रख सकता है वो, तो उसको पॉकेट वीटो कहते हैं। तो वीटो पावर है, राष्ट्रपति की वीटो पावर है 111 में। 112 में है आपका वार्षिक वित्तीय विवरण। 114 में है आपका विनियोग विधेयक, ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। आर्टिकल 117 में आपका है फाइनेंस बिल, वित्त विधेयक के बारे में जानकारी है। आर्टिकल 123 है आपके राष्ट्रपति के अध्यादेश की शक्ति, ठीक है राष्ट्रपति के अध्यादेश की शक्ति है। आर्टिकल 124 में है सुप्रीम कोर्ट। आर्टिकल 125 में है न्यायाधीशों के वेतन, ठीक है ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आर्टिकल 127 में है तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति। आपको पता है कि जो बेंचेस लगती हैं वो हमेशा विषम संख्या में लगती हैं, है ना, विषम संख्या में ही आपकी देखने को मिलती है सामान्यतः। तो कई बार अगर सुप्रीम कोर्ट में ये ज्यादातर न्यायाधीशों की नियुक्ति कमी पड़ जाती है तो जो रिटायर्ड जज है उनको जजेस को बुला लिया जाता है तो उनको तदर्थ न्यायाधीश बोला जाता है, तो उनके बारे में प्रावधान 127 में। उसके बाद 129 में क्या है कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो अभिलेखीय न्यायालय होगा। तो अभिलेखीय न्यायालय का मतलब क्या है कि यदि सुप्रीम कोर्ट ने कोई फैसला दे दिया है तो उससे निचले जितने भी न्यायालय हैं उनके लिए वो फैसले पत्थर की लकीर होंगी, उसके आधार पर ही सब चीजें होंगी आगे। आर्टिकल 137 में क्या है कि निर्णय आदेशों का उच्चतम न्यायालय द्वारा पुनरावलोकन के पुनर्विलोकन, कि यदि सुप्रीम कोर्ट ने कोई आदेश दे दिया है तो आर्टिकल 37 का यूज करते हुए सुप्रीम कोर्ट क्या काम कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट उन आदेशों को या निर्णयों को दोबारा देख सकता है और जरूरत पड़ेगी तो उसको बदल भी सकता है, संशोधन भी कर सकता है। उसके बाद आर्टिकल 143 है, यदि राष्ट्रपति चाहे तो सुप्रीम कोर्ट से आपका परामर्श मांग सकता है कि भाई मुझे सलाह दे दो आप। तो आर्टिकल 143 में सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को सलाह देते हैं पर वो सलाह बाध्य नहीं है मानने के लिए। ठीक है, अगला है आर्टिकल 148 भारत का नियंत्रक है महालेखा परीक्षक, सीएजी के बारे में बात हो रही है। आर्टिकल 49 में नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्य और शक्तियां है। आर्टिकल 153 में राज्यों के राज्यपाल है, राज्यपाल के बारे में बात हो रही है। आर्टिकल 155 में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करते हैं। आर्टिकल 156 में राज्यपाल की पदावधि, तो राज्यपाल की कोई फिक्स पदावधि नहीं होती है कि सामान्यतः बोल देते हैं कि 5 साल के लिए होते हैं पर वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम करता है, ये बात आपको ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद है आर्टिकल 59, तो आर्टिकल 59 बिल्कुल वैसी है जैसी राष्ट्रपति की 72 है। राष्ट्रपति माफी चाहता हूं। आर्टिकल 59 है राज्यपाल की शपथ, ठीक है। तो आर्टिकल 161 ऐसी ही है जैसी राष्ट्रपति की 72, यानी कि जो राष्ट्रपति है वो क्षमा कर सकता है, बट राष्ट्रपति की और राज्यपाल की शक्तियों में थोड़ा अंतर है। राष्ट्रपति सैन्य न्यायालयों के फैसले भी मतलब सजाएं सुनाई जाती हैं उनको माफ कर सकते हैं पर राज्यपाल ऐसा नहीं कर सकते। दूसरा, जो राष्ट्रपति है वो मृत्युदंड भी माफ कर सकते हैं, राज्यपाल ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। आर्टिकल 163 में क्या है, राज्यपाल को सहायता देने के लिए मंत्रिपरिषद, यानी कि 163 में क्या है आपके सीएम की बात है और सीएम की मंत्रिपरिषद की यहां पे बात हो रही है। 164 में है मंत्रियों के बारे में अनुबंध है,
और आपको जैसे पता था कि आर्टिकल 76 में महान्यायवादी है, इसी तरह राज्य में महाधिवक्ता होता है, तो 76 में महान्यायवादी है और 165 में आपका राज्य का महाधिवक्ता है। उसके बाद है 168 विधानमंडल की बात की जा रही है, ठीक है, 169 में विधान परिषदों का उत्सादन एवं सृजन है, और 170 में है आपकी विधानसभाएं, 171 में है विधान परिषद, ठीक है, दोनों में अंतर है। 169 में उत्सादन व सृजन है, मतलब बातचीत है, सृजन वगैरह करने के बारे में प्रावधान है कैसे कैसे होगा, जबकि 171 में विधान परिषद है। लास्ट अभी कल मतलब पूछा गया था कितने राज्यों में, पहले 7 राज्यों में थी विधान परिषद, अभी 6 राज्यों में, जम्मू कश्मीर हटा दिया गया है तो वो हट गया है। 173 में आपका क्या है, राज्यों के विधानमंडल की सदस्यता के लिए अर्हता। 178 में है विधानसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। 213 में है आपका राज्यपाल की अध्यादेश की शक्ति। 214 में है आपका राज्य का उच्च न्यायालय, ठीक है, आर्टिकल 215 उच्च न्यायालय का अभिलेखीय न्यायालय बोला, बता के आया हूं। 216 में है उच्च न्यायालयों का गठन। 217 में है आपके उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति। तो यहां पे ये बड़ा टिपिकल क्वेश्चन है, आपको लगता है कि जैसे जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस होते हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, तो आपको लगता होगा कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति भी राज्यपाल इसी तरह से करते होंगे, बट ऐसा नहीं है, हाईकोर्ट के जजेस की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है, आपको ये बात ध्यान रखनी चाहिए। उसके बाद है 221 न्यायाधीशों के वेतन हाईकोर्ट के। 222 में है किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय को अंतरण, यानी कि हाईकोर्ट के जजेस का ट्रांसफर है 222 में। 223 में है कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति, यानी कि हाईकोर्ट के जो चीफ जस्टिस है उनकी नियुक्ति। 226 बिल्कुल वैसा ही है जैसा 32 है, आप अगर आपके मूलाधिकारों का हनन हो रहा है तो आप 32 का यूज करते हो, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, और आर्टिकल 226 का यूज करते हो, आप हाईकोर्ट जा सकते हैं। 233 में है जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है राज्यपाल के द्वारा, ओके। 239 संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन, जो यूनियन टेरिटरीज हैं उनके प्रशासन के बारे में बात की जा रही है। 243 ए में ग्राम सभा है, 243 बी में आपके पंचायतें हैं, क्या है आपकी पंचायतें हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी चाहिए, ठीक है, पंचायतें हैं। 243 ग में पंचायतों की संरचना है, यहां पे गठन है, यहां पे संरचना है। 243 ई में है ना, ड में पंचायतों की अवधि है। 243 थ में नगर पालिकाएं हैं। 244 में अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन है, प्रशासन है, यानी एससी और एसटी एरियाज का आपका प्रावधान यहां पे किए गए हैं। 262 बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर किन्हीं दो राज्यों के बीच में क्या है जल विवाद है, तो 262 में जल विवादों संबंधी न्याय निर्णय कौन करते हैं, कोर्ट ही करता है। उसके बाद 266 है, इंपोर्टेंट है, 266 में ही आपकी भारत की संचित निधि है और भारत का लोक लेखा है, ठीक है, भारत की संचित निधि और भारत का लोक लेखा। 267 में है आकस्मिक निधि, इमरजेंसी फंड है। 280 में है आपका वित्त आयोग, 280 में क्या है आपका वित्त आयोग है, ये कल पूछा गया था। आपको पता है कि आर्टिकल 31 को हटा दिया गया था 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा, क्योंकि वहां पे संपत्ति का अधिकार है, लोग बहुत ज्यादा मिसयूज करने लगे थे, तो वहां से हटा के इस संपत्ति के अधिकार को, वहां पे मौलिक अधिकार था उसको 300A में ले आए, यहां पर इसको कानूनी अधिकार बनाया गया, भाग 12 में इसको लेके चले आए, तो यहां पे है संपत्ति का अधिकार। 315 क्या है, संघ और राज्य लोक सेवा आयोग, जो यूपीएससी है और स्टेट पीएससी है उनके बारे में यहां पर बात है। 323 क में है जो ट्रिब्यूनल्स है ना, अधिकरण है, उनके बारे में बात है। 324 में आपका निर्वाचन आयोग है, क्या है, 324 में आपका निर्वाचन आयोग है। 330 में क्या है, लोकसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए स्थानों का, यानी कि 330 में है लोकसभा में एससी और एसटी के लिए आरक्षण की बात की जा रही है। 331 में है लोकसभा में आंगल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व, बट आपको पता है कि ये निरस्त किया जा चुका है 2020 के 20 में एक संशोधन आया था, राष्ट्रपति क्या काम करते थे, लोकसभा में दो आंगल भारतीयों को नियुक्त कर सकते थे, और आंगल भारतीय कौन व्यक्ति होते हैं जिनके पिता जो है वो यूरोपीय मूल के हैं, और जिनकी माता है ना, माता जो मातृवंश है वो भारतीय मूल का है। उसके बाद आर्टिकल 332 है राज्य की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए, ठीक है। 330 में लोकसभा में है एससी एसटी के लिए आरक्षण, 332 में आपका एससी एसटी का है राज्य की विधानसभाओं में, 333 वही है जो 331 है, ये दोनों ही लगभग निरस्त हो चुके हैं।
343 में है संघ की राजभाषा, है ना, हिंदी वगैरह के बारे में प्रावधान सब यही है। 344 में है राज्य भाषा के संबंध में आयोग और संसद की समिति। 352 है आपात की उद्घोषणा, यानी राष्ट्रीय आपातकाल, भारत पे यदि युद्ध हो जाए, हमला हो जाए या तख्तापलट जैसी स्थिति हो जाए तो ये बात हो जाएगी। 356 में है आपका राष्ट्रपति शासन, ठीक है। 360 इन्होंने छोड़ दिया है टाइपिस्ट भैया ने। 360 में है आपका वित्तीय आपातकाल, ठीक है। वित्तीय आपातकाल आज तक एक बार भी नहीं लगा है। 1990 के दशक में, है ना, 1991 आई थिंक 91 में, थोड़ा माइंड से स्लिप हो रहा है, आप थोड़ा देख लीजिए। 1991 जब एलपीजी रिफॉर्म्स हुए थे, है ना, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, तब हम लोगों, तब ऐसा कुछ माहौल बन गया था। 370 निरस्त हो चुका है क्योंकि जम्मू कश्मीर के लिए विशेष राज्य का उपबंध था। 371 में क्या है, महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों के संबंध में अस्थायी उपबंध है। 371A नागालैंड को विशेष राज्य का दर्जा दे रहा है, ठीक है, विशेष मतलब उपबंध है। 371B में असम राज्य संबंधित है। 371G में मणिपुर है, घ में आंध्र प्रदेश है, ड में आंध्र प्रदेश राज्य में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना है। अगला है 371C, सिक्किम राज्य के बारे में उपबंध है। 371C मिजोरम के बारे में, ज में अरुणाचल प्रदेश, झ में गोवा है। और 372 में है आपका विद्यमान विधियों का प्रवत्त और उनका अनुकूलन, एक छूट गया है, 368 छूट गया है। 368 आपका भाग 18 है, संविधान संशोधन करने की प्रक्रिया, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सारे के सारे मैंने आपको इंपॉर्टेंट एक्ट, ये आर्टिकल करा दिए विद एक्सप्लेनेशन, आपका एक भी नहीं छूटेगा, आप यकीन मानो, मैक्सिमम आप करके आओगे। तो इसी अच्छी बात के साथ भाई सब्सक्राइब करना मत भूलना यार, गला दुख गया बिल्कुल बोलते बोलते। तो आप देख रहे थे रामजी की पाठशाला, मैं हूं राम भारद्वाज, जय हिंद जय भारत।